बात करेंगे जिनके नामवर फनकार मुमताज मौलाई और निगत नाज के बारे में। जो भी सिंधी है और जो भी सिंध में रहता है उन्हें मालूम होगा कि मुमताज मौलाई और निगत नाज के आपस में क्या ताल्लुकात थे। मुमताज मौलाई जो कि एक शायर था, उसने निगत नाज को गाने की फील्ड में लाकर नचन से जान छुटाई। हालांकि अगर निगत नाज के बारे में बात करें तो वो सिर्फ गानों में मॉडलिंग करती थी और नाचती थी, जबकि मुमताज मौलाई दर्जी था और सिंध में दर्ज का दुकान चलाता था। फिर रोज़गार की तलाश में सऊदी अरब चला गया और 4 साल वहां पर दर्ज का काम किया। मौलाई को शायरी का बचपन से ज़्यादा शौक था। वो शायरी करता था और उसने बहुत सारे सुपरहिट गाने सिंधी फनकारों को लिख के दिए, जिसकी वजह से उसको सऊदी छोड़नी पड़ी क्योंकि उसका अब नाम सिंधी फनकारों की ज़बान पे आना शुरू हो गया था। जब वो पाकिस्तान आया तो फिर भी वो शायरी करता था और गाने लिख के देता था। बड़े बड़े फनकारों को शमन मीराली से लेकर मास्टर मंजूर तक सिंध के सुपरहिट सिंगर्स ने इनके गाने गाए। वो सिंध में आए तो उसकी नज़र मादल निगत नाज पे पड़ी, जिसके बाद वो शायरी तो लिखता था लेकिन सिर्फ निगत नाज के लिए। और निगत नाज का जो भी नया एल्बम रिलीज होता था तो मुमताज मौलाई सीट में बैठकर बड़ा एंजॉय करता था, क्योंकि उस वक्त निगत नाज के गाने सिंध के बच्चे बच्चे की ज़बान पे गाए जाने लगे थे। शादियों में सेहरे भी अब निगत नाज के चलने लगे थे। निगत नाज अब इतना मशहूर हो चुकी थी कि अब उसे मुमताज मौलाई की ज़रूरत नहीं थी। सो उसने मुमताज मौलाई को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर दौलत नवाज मोहम्मद असलम से शादी कर ली। फिर क्या था, मुमताज मौलाई को शदीद धचका पहुँचा। 4 शादियों के बावजूद वो निगत नाज के इश्क में गाना गाने शुरू हो गए और सबसे पहला एल्बम भी निगत नाज के अगेंस्ट में निकाला उसने, और पहला गाना भी निगत नाज के खिलाफ गाया कि बाबा ये नचना ये नचना ये नचना। अब लोगों को लगने लगा कि इनका इश्क अब झगड़े में तब्दील हो गया है। और इस डिजिटल दौर में जहां गाना गाने के लिए सुर और ताल की ज़रूरत नहीं होती, बस एक अच्छे कंपोज़र की ज़रूरत होती है जो गाना कंप्यूटर में ऐसा एडिट करे कि लोगों को लगे कि वाकई बाबा क्या आवाज़ है। फिर मुमताज मौलाई की ज़िंदगी में वो दौर आया कि लोग ना चाहते हुए भी मुमताज मौलाई के गाने सुनने पे मजबूर हो गए, क्योंकि मुमताज मौलाई हफ्ते में 4-4 एल्बम निकालता था और एक एक एल्बम में 40-40, 50-50 गाने होते थे, जबकि दूसरे सिंगर्स के बहुत ही कम एल्बम रिलीज़ होना शुरू हो गए थे। लिहाजा मुमताज मौलाई को टाइम मिल गया इस फील्ड में पैर जमाने का, और उसके बाद आज तक हम मुमताज मौलाई के गाने सुनने पे मजबूर हैं। दोस्तों, ये थी मुमताज मौलाई की ज़िंदगी की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं आई तो भी बाबा हम क्या करें, जो सच है वो आपको बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।